नमस्कार, खबर एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ खुशी अत्री। पीएम मोदी सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी वर्षगांठ में शामिल होंगे। इसे पराक्रम पर्व के रूप में मनाया जाएगा। इससे जुड़ा मुख्य कार्यक्रम देश की राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट पर होगा। जानकारी के मुताबिक पूरे देश में 3 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा। पराक्रम पर्व के तहत पूरे देश 28 से 30 सितम्बर तक कार्यक्रम में होंगे। इससे जुड़ी जानकारी के मुताबिक 28 सितंबर को इंडिया गेट पर मुख्य कार्यक्रम होगा, जिसमें रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी भाग लेंगे। 29 और 30 सितंबर को इंडिया गेट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जिसमें कैलाश खेर और सुखविंदर जैसे कलाकार देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम पेश करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पराक्रम पर्व के दौरान सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो भी दिखाया जाएगा, जिस सर्जिकल स्ट्राइक को राहुल गांधी और कांग्रेस से झुठलाने की कोशिश करते रहते हैं, वह पूरे देश के सामने होगा। यही नहीं, कांग्रेस शासित पंजाब ने भी इस पराक्रम पर्व को मनाने के लिए तैयार की है। एक तरफ राफेल को लेकर राहुल गांधी मोर्चा खोले हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी वर्षगांठ को बड़े पैमाने पर मनाने का फैसला लिया है। ऐसा माना जा रहा है कि इस कार्यक्रम के जरिए ये दिखाने की कोशिश की जाएगी कि जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर कांग्रेस गलत बयानबाजी करती रहती है, ठीक उसी तरह से अब सेना का मनोबल तोड़ने के लिए उसके द्वारा राफेल को लेकर भी भ्रम फैलाया जा रहा है। ताजमहल संरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा। जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सभी पक्षों से विशेषज्ञ कमेटी को सुझाव देने को कहा था। कोर्ट ने कहा था कि कमेटी ताज के पास के उद्योग, हरित क्षेत्र, यमुना के प्रदूषण समेत सभी पहलुओं पर गौर कर रिपोर्ट तैयार करे। आम आदमी पार्टी बीजेपी के बागी नेता यशवंत सिन्हा को नई दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव मैदान उतारने की संभावनाएं तलाश रही है। पार्टी सूत्रों के अनुसार नई दिल्ली सीट से यशवंत सिन्हा और पश्चिमी दिल्ली सीट से बीजेपी के बागी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा को आप उम्मीदवार बनाना चाहती है और इस बाबत दोनों नेताओं के साथ आप नेतृत्व की बातचीत चल रही है। लगातार बारिश से उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों में सोमवार को अचानक बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं हुई। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं हरियाणा में बारिश जनित घटनाओं में 8 लोगों की मौत हो गई। भारी बारिश के मद्देनजर पंजाब में रेड अलर्ट जारी किया गया था। पंजाब में मंगलवार को भी शैक्षणिक संस्थान बंद रखने के आदेश दिए गए। जम्मू कश्मीर के डोडा और हिमाचल प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर स्कूल बंद है। भारी बारिश के चलते भूस्खलन की घटनाएं हुई, जिनके कारण बद्रीनाथ, केदारनाथ और यमुनोत्री जाने के मार्ग बाधित हुई और चारधाम यात्रा भी प्रभावित हुई। वहीं बारिश के बाद जल जमाव होने से राष्ट्रीय राजधानी में भी यातायात प्रभावित हुआ। सरकार ने जिला प्रशासन को किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए सतर्कता बरतने को कहा है। प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। भारी बारिश प्रदेश में अपना कहर बरपा रही है। पंचकुला में बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। पंचकुला के मोरनी इलाके में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक बच्चा उफान मारते हुए घग्गर नदी के ऊपर से एक पाइप के सहारे नदी को पार कर रहा है। ये वीडियो मोरनी के कोटी गांव का बताया जा रहा है, जहां बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर है। भारी बारिश लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। कालका में कौशल्या डैम से छोड़े गए पानी से घग्गर नदी के तेज बहाव में रामपुर शिरडी लेबर बस्ती के कई घर बह गए। यही नहीं, बांध से छोड़े गए पानी से रामपुर शिरडी लेबर बस्ती में रह रहे लोगों को रात के समय मजबूरी में अपने घरों को खाली करना पड़ा। वहीं स्थानीय पार्षद और लोगों का कहना है कि कुछ दिनों पहले नदी के बीच में कुछ लोगों ने जेसीबी चलाकर नदी के पानी का बहाव बस्ती की तरफ कर दिया था, जिसके कारण बारिश और कौशल्या डैम से छोड़ा गया पानी अब तक बस्ती की तरफ बढ़ रहा है। वहीं मौके पर संबंधित थाने के पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी स्थिति को संभालने में जुट गए हैं और प्रभावित लोगों की मदद कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पिछले 3 दिन से भारी बारिश के कारण यमुना का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। सोमवार शाम 6 बजे तक यमुना का जलस्तर बढ़कर 88,000 क्यूसिक पहुंच गया था। वहीं मात्र 2 घंटे में जलस्तर 2,16,000 क्यूसिक को पार कर गया है। इसके चलते प्रशासन ने यमुना के आसपास के लगते इलाकों में अलर्ट घोषित कर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी। यमुना का बढ़ता जलस्तर नदी के साथ लगते हरियाणा के जिलों को प्रभावित कर सकता है। यमुना नदी के उफान के चलते हथनी कुंड बैराज पर 2,16,000 क्यूसेक पानी मापा गया। आधिकारिक सूचनाओं के मुताबिक यमुना में बड़ा
पानी दिल्ली से सटे निचले इलाकों में तबाही मचा सकता है। वहीं गोलाचीका में पिछले तीन दिन से हो रही बारिश ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचा दिया है। गंगा नदी के आसपास इलाके में लगभग सारी फसल तबाह हो गई। इस नुकसान से किसान बेहद दुखी हैं और सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इलाके के हलका विधायक कुलवंत बाजीगर किसानों के बीच पहुंचे और घग्गर पार के 27 गांव का दौरा किया और खराब हुई फसलों के नुकसान का आंकलन किया। विधायक ने किसानों को आश्वासन दिया कि वो मुख्यमंत्री से मिलेंगे और किसानों को मुआवजा देने का आग्रह करेंगे। भारी बारिश के बाद घग्गर नदी अपने उफान पर है। उसका प्रचंड रूप पिंजौर के कौशल्या डैम के पास देखने को मिला। पंचकुला के पिंजौर में घग्गर नदी पर बने कौशल्या डैम के पास तेज बहाव के कारण नेशनल हाईवे नंबर 22 का हिस्सा टूटकर बह गया। बताया जा रहा है कि कौशल्या डैम का पानी छोटे और तेज बारिश आने के कारण पंचकुला के अमरावती के पास नेशनल हाईवे का किनारा टूटा है। पंचकुला पिंजौर इलाके में पिछले तीन दिन से हो रही भारी बारिश के कारण कौशल्या बांध का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा था, जिसके कारण सोमवार शाम 5:30 बजे वहां से जैसे ही पानी छोड़ा गया उसके बहाव के कारण अमरावती एनक्लेव के साथ लगती पंचकुला शिमला मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग पर पंचकुला की तरफ आने वाली सड़क एक तरफ को धस गई। इसके बाद तुरंत पुलिस ने पहुंचकर दोनों तरफ यातायात को रुकवा दिया। वहीं प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने आम आदमी और किसानों की कमर तोड़ दी है। एक और जहां किसान अपनी खराब फसलों को लेकर हैरान परेशान है, वहीं खरीफ की फसल खराब हो चुकी है। वहीं बारिश के चलते प्रदेश में दो अलग अलग हादसों में दो लोगों की मौत हो गई। पहला मामला कुरुक्षेत्र के शरीफगढ़ गांव का है। यहां लगातार हो रही बारिश ने एक गरीब का आशियाना छीन लिया। लगातार दो दिन से हो रही बारिश ने एक बच्चे मकान को नेस्ता नाबूद कर दिया। साथ ही इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। वहीं नीलोखेड़ी के स्टेशन एरिया पीर कॉलोनी में बारिश के चलते एक मकान की छत गिर गई, जिसके चलते एक शख्स की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घर में तीन लोग सोए हुए थे। इसी बीच बारिश के कारण टीन की छत सोए हुए लोगों पर गिर गई, जिसमें परिवार के मुखिया की छत के नीचे दबने से मौके पर ही मौत हो गई। कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने प्रदेश के किसानों से अपील की कि वे खरीफ फसलों विशेषकर बाजरे की फसल की जानकारी मेरी फसल मेरा ब्यौरा ऐप पर 25 सितंबर 2018 की रात्रि 12 बजे तक अपलोड करें, ताकि 1 अक्टूबर से हो रही सरकारी खरीद के दौरान उन्हें किसी भी तरह की परेशानी ना हो। बीजेपी आने वाले नगर निगम चुनावों की तैयारी में जुटी है। इसी के चलते सोमवार को हुई बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने पार्टी कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाकर सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताने को कहा। साथ ही बराला ने केंद्र और हरियाणा सरकार की उपलब्धियों का जमकर बखान किया। बैठक में राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर भी मौजूद रहे। ग्रोवर ने कहा कि सभी कार्यकर्ता दिन रात एक करके पार्टी के लिए काम करें। साथ ही इस बैठक में मेयर और पार्षदों के टिकट बांटने से लेकर चुनाव की तैयारियों को लेकर विस्तार में चर्चा हुई। वहीं तीन दिन से हो रही लगातार बारिश को लेकर धनखड़ ने कहा कि अभी भी लगातार बारिश हो रही है और विभाग के फील्ड के अधिकारी पूरी नजर रखे हुए हैं। जिन फसलों का नुकसान होगा उसकी भरपाई सरकार जल्द से जल्द करेगी। नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला ने गुरुग्राम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गोहाना में होने वाली रैली के बारे में बताया और कहा कि जो रैली गोहाना में नैलो बसपा पार्टी की होने वाली थी, उस रैली का कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि कई दिन से चल रही तेज बारिश के कारण इस रैली को समय पर करना मुमकिन नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर निशाना साधते हुए अभय चौटाला ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर काफी चिंतित नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब भी वे सड़क पर निकलते हैं तो कहीं न कहीं नैलो पार्टी के कार्यकर्ताओं के लगाए होल्डिंग उनको गाड़ी से सड़कों पर दिखाई देते हैं और वे अपने अधिकारियों को आदेश देते हैं कि इन सभी होल्डिंग को जल्द से जल्द हटा लिया जाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर की साइकिल यात्रा सोमवार को सोनीपत पहुंची, जहां उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। पाकिस्तान की तरफ से भारतीय जवानों पर हो रहे लगातार हमलों को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्र सरकार को घेरा। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी।
हरियाणा पंजाबी स्वाभिमान संघ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 1947 से अब तक हमें रिफ्यूजी कहकर बुलाया जाता है, लेकिन जैसे जाति सूचक शब्द कहने पर गिरफ्तारी का प्रावधान है, वैसे ही रिफ्यूजी कहने पर गिरफ्तारी का प्रावधान होना चाहिए। वही संघ नेताओं ने पंजाबी समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को आरक्षण देने और 30 से 40 सीटों पर पंजाबी समुदाय के लोगों को टिकट देने की मांग भी की है। जाट आंदोलन के दौरान वित्त मंत्री के घर आगजनी के मामले में हरियाणा की विशेष सीबीआई कोर्ट में सुनवाई भी। मामले में संबंधित सभी लोग कोर्ट में पेश हुए। जेल में बंद आरोपी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। सोमवार को सीबीआई द्वारा पेश की गई चार्जशीट पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। मामले की सुनवाई फिलहाल 4 अक्टूबर तक टाल दी गई है। गुरुग्राम में बीजेपी सरकार की नाक के नीचे टाउन एंड कंट्री विभाग में हो रहे एक बड़े घपले का खुलासा हुआ है। गुरुग्राम के आरटीआई कार्यकर्ता हरेंद्र ढीमना ने टाउन एंड कंट्री विभाग से प्राप्त सूचना में यह खुलासा किया कि ईडीसी जिसे बिल्डर को प्लॉट खरीदने वालों से लेकर सरकार को तुरंत जमा कराना होता है, इसमें धांधली हुई है। हरेंद्र ढीगड़ा का कहना है कि मौजूदा सरकार के राज में ये 6,198 करोड़ रुपए से बढ़कर 15,250 करोड़ रुपए हो गया। वही डिफॉल्टर बिल्डर्स की संख्या 218 से बढ़कर 499 हो गई। इस पूरे मामले को लेकर ढीगड़ा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को पत्र भी लिखा है। फरीदाबाद के कांत एनक्लेव को लेकर मुख्य सचिव डीएस ढेंसी ने जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव ने कांत एनक्लेव की जमीन को फॉरेस्ट लैंड घोषित करने के साथ साथ सभी निर्माणों को तोड़ने और मुआवजा देने का को लेकर रणनीति बनाई। अधिकारियों के मीटिंग ये से साफ हो चुका है कि कांत एनक्लेव पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उस पर सरकार गंभीर है। मुख्य सचिव डीएस ढेसी ने सभी विभागों के अधिकारियों को एक हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को स्टडी करने और उसके बाद आगे की कार्रवाई करने को लेकर आदेश दिए हैं। यमुनानगर के गन्ना किसानों ने जगाधरी के अनाज मंडी में इकट्ठे होकर एक महापंचायत की। इस दौरान गन्ने के बकाया भुगतान को लेकर चर्चा की गई। किसानों ने जिला उपायुक्त कार्यालय का घेराव करने की योजना बनाई, लेकिन प्रशासन और मिल प्रबंधक ने मौके पर पहुंचकर किसानों को समझाया। जिला उपायुक्त और मिल प्रबंधक की किसानों के साथ काफी देर मीटिंग चली, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि 24 करोड़ रुपया किसानों के खाते में जल्द डाला जाएगा और बाकी बकाया रकम 27 सितंबर तक किसानों को मिल जाएगी। प्रदेश में बढ़ रही रेप की घटनाओं के खिलाफ सरकार के साथ अब खाप पंचायतों ने भी कमर कस ली है। सांगवान खाप 40 ने रेप के विरोध में कड़े फैसले लेने का मन बना लिया है। खाप के प्रधान सोमवीर सांगवान ने 11 नवंबर को सर्वजातीय सर्व खाप महापंचायत बुलाई है। चरखी दादरी के एससीआर स्कूल में होने वाली इस महापंचायत में देश के तमाम खापों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे, जिसके लिए उन्हें पत्र भी लिख दिया गया है। इस महापंचायत में रेप की घटनाओं को रोकने और आरोपियों को सामाजिक दंड देने को लेकर मंथन करेंगे। प्रदेश में रेप और गैंगरेप की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर दो बेटियों के साथ हैवानियत के मामले सामने आए। पहला मामला फतेहाबाद से सामने आया है। यहाँ खुला क्षेत्र में कुल युवकों पर एक युवती के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म का आरोप लगा है। वही दूसरा मामला बहादुरगढ़ से सामने आया। यहां एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ 30 साल के युवक ने रेप की वारदात को अंजाम दिया। घटना का पता चलने के बाद परिजनों ने पुलिस में इसकी शिकायत दी। परिजनों के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रोहतक हेल्थ यूनिवर्सिटी के डेंटल कॉलेज में एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जिसके बाद पीजीआई रोहतक की साख पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। कॉलेज के एक एसोसिएट प्रोफेसर ने अपनी एक छात्रा को अश्लील मैसेज भेजे हैं, हालांकि छात्रा ने पुलिस को इसकी शिकायत दे दी। जब एसोसिएट प्रोफेसर देर रात उसे अश्लील मैसेज भेजने शुरू कर दिए, आखिरकार पीड़िता ने अपने परिजनों को पूरी घटना के बारे में बताया और अश्लील मैसेज दिखाए। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। खरखौदा के हलालपुर गांव में अज्ञात बदमाशों ने किराने की दुकान चलाने वाले दो भाइयों को गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक दोनों भाई दम तोड़ चुके थे। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
गुरुग्राम में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बार चोरों का निशाना बना गुरुग्राम का बादशाहपुर इलाका, जहां देर रात करीब 1:30 बजे एक मेडिकल स्टोर पर चोरों ने अपना हाथ साफ किया। एशिया कप 2018 के अंतिम सुपर फोर मैच में मंगलवार को टीम इंडिया अफगानिस्तान से मुकाबला करेगी। अभी तक अपने बेहतरीन खेल के दम पर हर मैच में जीत हासिल करने वाली टीम इंडिया के सामने अफगानिस्तान जैसी उलटफेर करने वाली टीम होगी। भारत ने सुपर फोर के अपने अभी तक के दोनों मैच जीतकर फाइनल की दावेदारी लगभग पक्की कर ली है। एशिया कप में हार के बाद श्रीलंका क्रिकेट विवादों में घिर गया है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप में टीम के लचर प्रदर्शन के बाद एंजेलो मैथ्यूज से वनडे और टी20 टीम की कप्तानी छीन ली है। वहीं मैथ्यूज ने बोर्ड को चिट्ठी लिखकर कहा कि वे अकेले टीम के प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार नहीं है, उन्हें बलि का बकरा बनाया गया है। भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तानों में से एक 46 साल के गांगुली ने कहा कि कोच का सबसे महत्वपूर्ण गुण मानव प्रबंधन का होता है। और साथ ही गांगुली ने यह भी कहा कि सिम्बियोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज भी अपनी पुस्तक ए सेंचुरी इज नॉट इनफ के लॉन्च के लिए यहां पहुंचे थे। वरिष्ठ खेल लेखक गौतम भट्टाचार्य इस किताब के सह लेखक हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज के चौथे मैच में सोमवार को मेजबान टीम को 7 विकेट से शिकस्त दी। जीत के साथ भारत ने सीरीज में 3-0 की अजय बढ़त बना ली है। सीरीज का दूसरा मैच बारिश में धुल गया था। मैदान गीला होने के कारण इस मैच में भी 17-17 ओवर का ही खेल हो पाया। श्री नारायण सिंह के निर्देशन में बनी फिल्म बत्तीगुल मीटर चालू ने अपने पहले वीकेंड में 23 करोड़ 26 लाख रुपए का कलेक्शन किया। फिल्म को बड़ा फायदा न मिलने का सबसे बड़ा कारण भारत और पाकिस्तान के बीच का क्रिकेट मैच बताया जा रहा है। नवरात्रि शुरू होने में अब कुछ ही समय बाकी है और इस मौके पर सलमान खान ने फिल्म नवरात्रि का एक नया गाना ट्विटर पर रिलीज किया है। आयुष शर्मा के इस फिल्म का गाना ढोलीडा अब तक 4 लाख से भी ज्यादा लोगों ने देखा है और इस गाने में आयुष शर्मा और वारिना हुसैन एक बार फिर गरबा करते हुए नजर आ रहे हैं। खबर एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।